पीपल पथवारी की कहानी। तो मैं आज आपको सुना रही हूँ पीपल पथवारी की कहानी। आप अच्छे से सुनेगा, इससे सुनने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी, सारे कष्ट दूर होंगे। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेचा। तो वह दूध दही बेचने गई। कार्तिक का महीना था, वहां पर सब औरतें पीपल सींचने आती थी। तो वह भी बैठ गई और औरतों से पूछने लगी, तुम क्या कर रही हो? तो औरतें बोली, हम तो पीपल की पतवारी सींच रही हैं। तो उसने पूछा, इससे क्या होता है? औरतों ने जवाब दिया कि इससे करने से अन्न धन मिलता है और वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। उस गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी सींच रही हो और मैं दूध दही से सींचूंगी। उसकी सास रोज कहती कि तू दूध दही बेचकर पैसे ला कर दे। तो उसने कहा, जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब ला दूंगी। और कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनम के दिन गुजरी पीपल पथवारी के पास दाना लेकर बैठ गई। पीपल ने पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठी है? उसने कहा, मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। तो पीपल ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं है, ये पत्थर डंडे पान पत्ते पड़े हैं, वह ले जा और गुल्लक में रख देना। जब सास ने पूछा, पैसे लाई है? तो गुजरी ने कहा, मैंने पैसे गुल्लक में रखे हैं। तब सास ने गुल्लक खोल कर देखी तो यह सास देखती रह गई कि उसमें हीरे मोती जगमगा रहे हैं और पत्थर डंडे और पत्तों का तो धन हो गया। सास बोली कि बहू इतना पैसा कहाँ से लाई? तो बहू ने आकर देखा तो बहुत धन पड़ा है। तब गुजरी ने कहा, सासू जी, मैंने तो 1 महीना दूध दही से पीपल की पतवारी में सींचा था और मैंने उसे धन मांगा था, तो उसने मुझे पत्थर डंडे पत्ते दिए थे जो मैंने गुल्लक में रख दिए थे और वह हीरे मोती हो गए। तब सासू जी ने कहा कि अब की बार मैं भी पतवारी सींचूंगी। सासू दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पतवारी में रख आती और बहू से कहती कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने कहा, कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है? तो सास बोली कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने सास से दूध दही के पैसे मांगे। तो सासू जी पीपल पतवारी पर जाकर धारणा लेकर बैठ गई। तो डंडे पत्ते पान बाटे उसे भी दिए और कहा, गुल्लक में जाकर रख दे। फिर बहू ने खोल कर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे थे। गुजरी ने सास से कहा, यह क्या है? तो सास देखकर बोली कि पीपल पथवारी ने तेरे को तो अन्न धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब सब बोले कि बहू तो सत से सींचती थी और सासू जी धन की भूख से सींचती थी, इसलिए हे पथवारी माता, जैसे तूने बहू को दिया वैसा सबको देना और सासू जी को दिया वैसा किसी को मत देना। तो ये थी पीपल पथवारी की कहानी। आशा है आपको ये पीपल पथवारी की कहानी पसंद आई होगी। तो आप भी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं और आगे हमारी और कहानियों की वीडियो देखते रहें। जल्दी फिर से मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। गिल्ली और गुण की कहानी। बहुत पहले की एक बात है, एक थी इल्ली और एक था गुण। एक दिन इल्ली बोली कि आओ गुण कार्तिक का स्नान करें। गुण बोला कि तू तो गोरी पड़ी है, तू ही ना ले, मेरा तो मोट बाजरा पड़ा है तो मैं नहीं नहाऊंगा, मैं तो हरे बाजरे का सिट्टा खाऊंगा और ठंडा पानी पीऊंगा। दोनों के बीच हुई इस बात के बाद इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले के साथ लग कर चली गई और गुण नहीं नहाया। कार्तिक माह खत्म होते ही दोनों मर गए। कार्तिक का स्नान करने से इल्ली राजा के घर जन्म लेती है और गुण राजा के यहाँ गधा बनता है। राजा की बेटी बड़ी हुई तो उसके विवाह का दिन आया। वह ससुराल के लिए विदा होने लगी। विदा होने के समय अचानक ही बेटी की बैलगाड़ी रुक गई। तो राजा रानी दोनों बोले कि यह बैलगाड़ी क्यों रुक गई? बेटी, तुझे जो मांगना है मांग ले। लड़की बोली कि मुझे ये गधा चाहिए। यह सुन राजा रानी बोले कि ये क्या मांगा है, कुछ और मांग ले, यह भी कोई मांगने की चीज़ है। लड़की अपनी बात पर अड़ गई और बोली कि मुझे तो यह गधा ही चाहिए। लड़की की बात सुन गधा फुदक फुदक कर भागने लगा और लड़की के साथ वह भी चला गया। महल जाकर लड़की ने उसे नीचे ही सीढ़ी से बांध दिया। एक दिन लड़की सीढ़ी से उतरने लगी तो गधे ने कहा, ए सुंदरी, मुझे पानी पिला दे। तब लड़की बोली कि जब तुझे कहा था कि कार्तिक नहा ले तब तूने मना कर दिया था, तूने कहा था कि मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा पानी पीऊँगा। लड़की और गधे की बात उसकी देवरानी जेठानी सुन रही थी। वह दोनों अपने देवर के पास गई और बोली कि ये तुम किस जादूगरनी को ब्याह करके लेके आए हो, यह तो जानवरों से बात करती है।
अपनी भाभियों की बात सुनकर लड़का बोला कि मैं जब अपने कानों से सुनूंगा और आंखों से देखूंगा तब ही मानूंगा। अगले दिन वह सीढ़ी पर छिपकर बैठ गया। उसकी पत्नी आई और गधे से उससे फिर वही बात कही, जिस पर रानी ने भी वही जवाब दिया। यह सब देखकर वह राजकुमार तलवार निकालकर सामने आया और बोला कि तुम जानवरों से कैसे बात कर सकती हो, बताओ कि तुम कौन हो। उसकी पत्नी ने उससे बहुत कहा कि औरत का भेद नहीं खोलना चाहिए, लेकिन वह अड़ा रहा कि नहीं, मैं तो सब जानकर ही रहूँगा। राजकुमार की जिद के आगे उसकी पत्नी हार गई और उसने पिछले जन्म की सारी बातें उसे बता दी कि वह इल्ली थी और यह गधा गुण था। इससे मैंने कार्तिक नाने की बात कही लेकिन इसने मना कर दिया, जिसके फलस्वरूप इसे इस जन्म में गधा बन गया और मैं राजा के पल्ले से लग कर नाई थी तो मैं राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। इसलिए मैं तो इससे पिछले जन्म की बात कर रही थी। सारी बात सुनकर राजकुमार बोला कि क्या कार्तिक स्नान का इतना पुण्य मिलता है। रानी ने कहा, हाँ बहुत पुण्य फल मिलता है। अपनी पत्नी की सारी बातें सुनकर राजकुमार ने कहा, यदि कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तो हम दोनों जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और दान पुण्य भी करेंगे ताकि आने वाले समय में हम सुखपूर्वक रह सकें। दोनों ने जब जोड़े से स्नान किया तो उसके पास काफ़ी धन हुआ। इसके बाद सभी को कहना चाहिए कि हे कार्तिक महाराज, जैसा आपने इडली को फल दिया वैसा ही सभी को देना, और लेकिन गुण जैसा फल किसी को नहीं देना। कार्तिक मास की कथा। एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वो रोजाना 7 कोस दूर गंगा यमुना स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी थक जाती थी। तब ब्राह्मणी कहती थी कि हमारे एक बेटा होता तो कितना अच्छा रहता। बेटे की बहू आती तो हम घर वापस जाने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी कर देती। ब्राह्मणी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, तूने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने पोटली बांधकर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण अभी कुछ ही दूर गया था कि उसे यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा, मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यह लड़की सही रहेगी। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने कहा, बेटी अभी कार्तिक मास चल रहा है इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता, मैं आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माँ से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटी बना देगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएगी तो ही मैं रोटी खाऊंगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ से सारी बात कह दी। माँ ने कहा, ठीक है जाकर बाबा से कह दे वह अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरे निकली। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरे हैं उसके घर में कितनी मोहरे होगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने कहा, बाबा आप अपने लड़के की सगाई करने जा रहे हो। तब ब्राह्मण ने कहा कि मेरा बेटा तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है बाबा, और खांड कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर जाकर कहा, रामू की माँ दरवाजा खोल कर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मणी बोली, दुनिया ताने मारती थी अब आप भी मारने लगे, हमारे तो 7 जन्म तो कोई बेटा बेटी नहीं है तो बहू कहाँ से आएगी। ब्राह्मण ने कहा कि तू दरवाज़ा खोल कर तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले गई। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्नान करने जाते तो बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर रखती। वह उनके कपड़े धोती, रात को पैर भी दबाती। इस तरह काफ़ी समय बीत गया। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा, बहू कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटकी का पानी खत्म मत होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब बहू भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे साथ ससुर सुबह 4 बजे से गए हुए हैं, वह थके हारे आएंगे इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। तब पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है, तुझे ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं, इनके कोई बेटा नहीं है। बहू ने कहा, नहीं ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है।
तब पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोल कर लाए, इनका कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली फूफी रोटियाँ बनाकर दे देना और बिना नमक की दाल बनाकर देना, खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में डाल देना। वह पड़ोसन की सारी सीख लिखकर घर आ गई। जब उसके साथ ससुर घर आए तो उसने ना तो उनका आदर सत्कार किया ना ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू आज यह रोटियां जली फूफी क्यों हैं, दाल भी अलूनी है। तब बहू ने पलट कर जवाब दिया कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर फिर वह पड़ोसन के पास गई और बोला कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम सातों कोठी की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब भी स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे तो सातों कोठी की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो, आज नहीं तो कल इसे ही देनी है। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर का सातवां कोटा खोला तो देखा कि शिव जी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता जी, पीपल पथवारी, कार्तिकेय ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बेड़वा, गंगा यमुना व 33 कोटि देवता विराजमान है। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तू कौन है। तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाजा बंद करते, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजा खोलना। यह सब देखकर बहुत खुश हो गई और 16 सिंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर पर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो तो आप थक जाती हो, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती हो। यह सुन सास कहने लगी कि बेटी, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती है। तब उसने कहा कि माँ जी बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने सातवां कोटा खोल कर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिकेय ठाकुर जी, राई दामोदर जी, तुलसा जी का बेड़वा, गंगा यमुना बह रही है और 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने कहा कि बेटा तू कौन है। लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया है। लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। बुढ़िया ने कहा कि बेटा, यह दुनिया कैसे मानेगी कि तू मेरा बेटा है। बुढ़िया ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा कि इस पार बहू बेटा खड़ा हो जाए और उस पार बुढ़िया खड़ी हो जाए। बुढ़िया ने चमड़े की अंगिया पहनी और छाती में से दूध की धार निकालकर बेटी की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तब माने कि यह बुढ़िया का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया, चमड़े की अंगिया फट गई और छाती में से दूध की धारा निकलकर बेटी की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोट बन गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी की खुशी का ठिकाना ना रहा। एक कार्तिकेय ठाकुर जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया, वैसे सबको देना, कार्तिक मास की कथा कहने सुनने और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। तो ये थी कार्तिक मास की कथा। आशा करती हूँ आपको हमारी कार्तिक मास की कथा पसंद आई होगी। जल्दी फिर से मिलेंगे एक और नई कथा के साथ। हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही घंटी का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद। तुलसी माता की कहानी। तुलसी माता की कहानी कार्तिक मास में तुलसी पूजा करने के बाद आपको रोज़ ज़रूर सुननी चाहिए। ये कहानी बुढ़िया माता और कृष्णा जी की कंधा दे वाली कहानी है। तो कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती थी और कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो। तुलसी माता ने कहा,
कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी। तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से न उठी। तब भगवान ने एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। तुलसी माता की जय। धर्मराज जी की कहानी। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में 2 सेठानियाँ रहती थी। बड़ी सेठानी के घर में बहुत धन था लेकिन वह कंजूस थी। छोटी सेठानी के घर में धन कम था लेकिन वह मन से बहुत दयालु और मददगार थी। वह स्वयं को धर्म के कार्य करने और लोगों की मदद करने में लगाए रखती थी। वह रोज़ सवेरे गंगा स्नान करने के लिए जाती, तुलसी माता बड़ पीपल सींचती, भगवान के मंदिर जाकर पूजा करती और धर्म राज्य की कहानी सुनती थी। जबकि बड़ी सेठानी यह सब देखकर हंसती और कहती थी कि पता नहीं दिन भर क्या फालतू काम करती रहती है। ऐसा करते करते दिन बीतने लगे और सेठानियाँ वृद्ध हो गई, यानी बुढ़ी हो गई। तब भगवान के घर से बुलावा आया। छोटी सेठानी को लेने के लिए धर्मराज जी ने अपना विमान भेजा, जबकि बड़ी सेठानी को दूत मारते हुए ले जाने लगे। रास्ते में बड़ी सेठानी ने कहा कि मुझे भूख लगी है। तब दूत बोले कि यदि तुमने जीवन में किसी को खाना खिलाया होगा तभी तुम्हें खाना मिलेगा। थोड़ी देर बाद उसने फिर से कहा, मुझे प्यास लगी है। तब दूत बोले कि यदि तुमने जीवन में किसी को पानी पिलाया होगा तभी तुम्हें पानी नसीब होगा। रास्ते में उसके कांटे चुभने लगे और तेज गर्मी पड़ने लगी, लेकिन दूत उसे घसीटते हुए ले गए। अब बड़ी सेठानी बहुत पछताने लगी कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी दान धर्म नहीं किया। इतनी देर में धर्म राज्य का दरबार आ गया। वहाँ जाकर उसने देखा कि छोटी सेठानी भगवान के पास सिंहासन पर बैठी थी और उधर बड़ी सेठानी को तपते हुए कुंड में डाल दिया गया। तब बड़ी सेठानी बोली कि मुझे 1:15 का समय दीजिए, मैं वापस आकर दंड भोग लूँगी। धर्मराज जी बोले, ठीक है। बड़ी सेठानी के शरीर में वापस प्राण डाल दिए गए। धरती पर आते ही उसने पंडितों को बुलाकर धर्मराज जी की कहानी सुनी और सब तरह के दान धर्म किए। इतने में समय पूरा हो गया। अब की बार बड़ी सेठानी को लेने धर्मराज जी का विमान आया। 1:15 के दान धर्म और धर्मराज जी की कहानी सुनने से बड़ी सेठानी को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। धर्मराज जी ने जैसी कृपा सेठानी पर की वैसी सब पर करना। धर्मराज जी की कहानी सुनने वाले, कहने वाले, हुंकार बनने वाले और पूरे परिवार पर कृपा करना। यह थी धर्मराज जी की कहानी। आशा है आप सभी को धर्मराज जी की कहानी पसंद आई होगी। तो जल्द ही मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।